ये है सर का मेन स्टड। इतनी सारी ट्रॉफी इन्होंने जीती है, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो भी ना होने वाली है बहुत बहुत खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पुणे की एक डॉग कैनल में, जिसका नाम है ग्रीनस्टोन डॉग कैनल। और ये जो डॉग कैनल है ना, वो स्पेशली डेडिकेटेड है साइबेरियन हस्की के लिए और काफ़ी खूबसूरत डॉग कैनल है। और बहुत सारे लोग हैं ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आप डॉग कैनल पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो फाइनली ये वीडियो आ रही है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की नई वीडियोस लाता रहता हूं। मैं सीधा मिलता हूं आपको लोकेशन पर, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है ना इस कैनल के ओनर है तुकाराम सर, तो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो सर, तो आप पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और सर मुझे बताइए कि मतलब आपको ये डॉग का शौक, मतलब ये हॉबी कैसे लगी? घर पे दो डॉग थे मेरे। ओके। तो उसकी वजह से उनसे थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा हो गया, उनको कुछ रखने के लिए बनाना था, तो वो हिसाब से कैनल बन गया। तो उसी हिसाब से इसमें ये डॉग फील्ड में आया मैं। और सर मतलब आपको इस डॉग फील्ड में कितने साल हो गया? 2013-14 में चालू किया ग्रीनस्टोन। और सर अब तक आपके कितने डॉग मतलब चैंपियन बन चुके? चैंपियन तो बहुत बन गए, ऐसे कुछ हिसाब ध्यान में नहीं है, लेकिन हस्की ऑफ द ईयर बना वो मेरा थंडर। और सर मुझे आप बताइए कि आपने हस्की ब्रीड को ही क्यों सिलेक्ट किया, मतलब आपको इसके बारे में ऐसी क्या खास बात लगी? फैमिली डॉग है, एनर्जिक डॉग है उस, और दिखने के लिए एकदम प्यारा, उसके लिए हस्की ब्रीड चॉइस किया। और सर आपने जैसे कहा कि हस्की ऑफ द ईयर आपको ये जो ट्रॉफी मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब ये मिलने के लिए कितने शो जीतने पड़ते हैं, मतलब कहाँ कहाँ मतलब आप घूमे, क्या मतलब? इंडिया भ्रमण हो गया, पूरा पूरे देश में घूमे। ओके। थंडर और गणेश जोड़ी बनी थी पूरे इंडिया में घूमने के लिए। जो भी है गणेश और थंडर की जीत है वो, यानी राजस्थान भी गए, कोडाईकनाल भी गए, दिल्ली भी गए, सब तरफ गए थे, पूरे इंडिया में वो घूमे तभी ये मिला है। उसके लिए शो जीतने के लिए ऐसा नहीं रहता, वो पॉइंट के हिसाब से रहता है जो आपको मिलता है, यानी लाइनअप मिलता है उसमें, जो वो लाइनअप के हिसाब से पॉइंट पकड़ते है, और पॉइंट के हिसाब से हस्की ऑफ द ईयर रहने दो, रिजर्व हस्की ऑफ द ईयर रहने दो, या डॉग ऑफ द ईयर रहने दो, वो पक्का होता है। तो सर को आपने मेहनत का फल देखो यहाँ पर मिला है, तो आगे चलते हैं और इनके डॉग्स हम देखते हैं और कैनल भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, मेरे पीछे आप देखो कितना खूबसूरत कैनल इन्होंने बनाया है, मतलब यहाँ पर एक गार्डन भी है थोड़ी सी बनी है खेलने के लिए, और वहाँ पर दोस्तों मेरे पीछे स्विमिंग पूल भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। और दोस्तों इनके जो हस्कीज है ना काफ़ी खूबसूरत है। अभी मेरे पीछे जो भी हस्कीज आप देख रहे हो ना दोस्तों, वो सभी मेल हस्कीज है। पहले तो देखो कैसे खेल रहे हैं, और इनके कलर्स देखो दोस्तों कितने खूबसूरत है, वाइट भी है और ये ब्राउन कलर में भी है, हर तरह की शेड अवेलेबल है उनके पास। और दोस्तों ये जो डॉग है थंडर है, ये जो डॉग है ना वो थंडर है। और दोस्तों देखो कैसे खेल रहे हैं। ये सबसे पहला डॉग है। कौन सा? डोडो। ये ना? ओके, ये ब्राउन कलर वाला डोडो। ओके। और उसके बाद? उसके बाद सभी आए, थंडर के आए। ओके। और सर ये इनकी एज क्या है, मतलब कितने साल की है अभी? ये लास्ट 7 साल का है, ये सबसे बड़ा। ओके। उसके नीचे 6 साल का। ओके। और सबसे छोटा ये बेकन, ये 6 महीने का है। ओके। और ये पुंगे, ये अभी पपी के लिए खेल रहा, ये भी अच्छा जीता हुआ। सर ये इसको मतलब देख रहा हूँ, ये जो डॉग है ना इसको ज्यादा बाल है, ये क्या मतलब? ये थोड़ा बाल वाला है, वूली कोट? नहीं, वूली कोट नहीं है। ओके। वूली कोट ज्यादा ही बाल रहते हैं। इसको देखो कैसे खेल रहे, ये काफी है। तो दोस्तों अभी मैं इनके कैनल के किचन में हूँ, और किचन है ना वेल मेंटेन है और पूरा हाइजीन मेंटेन किया है उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीजर, फ्रिज वगैरह रखा है यहाँ पर प्रॉपर, मतलब डॉग्स के जो बर्तन है वो भी रखे हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्यूरीफायर भी रखा है, पानी मतलब उनको डॉग के लिए पूरा प्यूरीफाई पानी मतलब यूज़ करते हैं पीने के लिए। ऊपर ये एग्जॉस्ट फैन भी लगाया है, और दोस्तों यहाँ पर गैस स्टोव वगैरह भी रखा है उन्होंने। और यहाँ पर अभी वो हस्कीज के लिए कुछ बना रहे। तो सर
इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब क्या आप खिलाते हो सर इनको? चिकन खीमा और राइस है। और ये दिन में कितने बार मतलब आप खिलाते हो? दो बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार। ओके। और दोस्तों यहाँ पर है ना सभी फीमेल्स सर ने रखी हुई है, तो सर इनके बारे में बताइए ना, मतलब यहाँ पर ये फीमेल में से ज्यादा करके मेरे घर के ब्रीडिंग के ज्यादा है। ओके। और इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी? नहीं, डॉग में ऐसा फेवरेट कुछ नहीं रखता। Okay. मेरे सब पसंदीदे। ओके। और यहाँ पर देख रहे हो सर एक व्हाइट कलर का सिमोइड भी, इसके बारे में थोड़ा? सिमोइड है, फ्लॉपी नाम है इसका। ओके। और ये कितने साल की? ये अभी आधा ही साल की है। ओके। और इसमें से सबसे पहली फीमेल कौन सी है, मतलब आपने जो रखा वो कौन सी? ओके। ज्यादा उम्र वाली, इससे पहले मेरे पास एक सबसे पहली थी ऑर्चिड। ओके। ऑर्चिड अभी नहीं, ये नैन्सी थी। ओके। ये थंडर की बेटी है, ग्रेसी। और ये कितने साल की? ये अभी 10 महीने की है। उधर एक और थंडर की बेटी है। ओके। ये मैक्सी है, रेड वाली। इसका नाम मैक्सी है, रेड कलर वाली। और सर मतलब आप ये प्लेग्राउंड में एक मिनट के लिए मतलब छोड़ते क्या? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। ओके। मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज आप करवाते हो इनको? जो ब्रीडिंग होती है वो कितने मन के बाद मतलब आप ब्रीड करवाते हो? 18 महीने के बाद। ओके। और इनको एक्सरसाइज करने के लिए आप मतलब एक्स्ट्रा कुछ और एक्टिविटी करवाते हो? नहीं, वॉकर मशीन है उन पे, गार्डन पे खेलने के लिए। ओके। दोस्तों देखो कितने सारे हस्कीज है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों वो इनकी मतलब देखभाल अपने बच्चों जैसे ही करते हैं, मतलब सभी उनके फेवरेट ही है जितने भी डॉग्स हैं यहाँ पर उन्होंने रखे हुए। आगे आपको क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे टेडी बियर जैसे पपीज आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर है ना दीपक बहू है जो कि मतलब इन डॉग्स की केयर करते हैं। तो दीपक बहू पहले तो बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया है, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। तो दीपक बहू आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? मेरे को अभी 7 साल हो गए यहाँ पर। तो और मेरे को इसकी बहुत ही है, मतलब डॉग्स का बहुत लगाव है आपको? लगा हुआ है ज़्यादा। ओके। और मतलब आप दिन की शुरुआत कैसे करते? दिन की शुरुआत क्या, सबको पहला बस खेल इसी ग्राउंड में छोड़ देने का, अंदर का पूरा साफ सफाई करके धो के सब पूरा निकाल देने का, बाद में खाना लगाने का, खाना पकने के बाद मेडिसिन दे देने का सबको, बाद में खाना देने का। मतलब प्रॉपर आप केयर करते हो उनकी? प्रॉपर केयर। ओके। और दोस्तों इनके कैनल में है ना उन्होंने एक स्विमिंग पूल भी रखा है डॉग्स के लिए, तो सर मुझे बताइए स्विमिंग पूल का क्या यूज होता है? डॉग के लिए एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा है। ये जो ट्रेनिंग रहती है मतलब स्विमिंग पूल में वो कितने घंटे चलती है, मतलब क्या रहता है? 20 मिनट के लिए डॉग आराम से उसमें, सब उसका हेल्थ इशू या कुछ भी रहेगा ना तो क्लियर हो जाता है। और काफी खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है, यहाँ से एंटर करते अंदर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितनी सारी ट्रॉफीज इन्होंने जीती है, तो सर इन सभी ट्रॉफीज के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब अभी ये सेकंड बेस्ट इन शो है, ये सेकंड बेस्ट इन शो है। ओके। ये 5 बेस्ट इन शो है, ये 6 बेस्ट इन शो है, इधर एक अंदर है वो 5 बेस्ट इन शो है। Okay. और ये पूना में जो शो हुआ था, थंडर जीता, उसके लिए पूना वाले ने उसको अवार्ड देके यानी सम्मानित किया था। ओके। तो उसका है। और ये बाकी सभी थंडर ने जीती है कि अलग अलग डॉग्स की? 70% थंडर ने जीती हुई है। ओके। और 30% बाकी है। तो यहाँ पर है ना सर ने एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया है मतलब डॉग्स को खेलने के लिए, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना खूबसूरत है, काफी हरियाली भी है यहाँ पर और पेड़ पौधे लगाए हैं। तो दोस्तों ये है सर का मेन स्टड थंडर जिसने वो बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती है, देखो कितना खूबसूरत है, सर के साथ खेल रहा है थंडर। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, इसकी एज क्या है? छह साल है। ओके। इसका बाल का जो कंडीशन है ना, ये कोई भी डॉग को नहीं है, ये थाईलैंड इंपोर्ट है। ओके। लेकिन इसकी जो कंडीशन है ना एकदम बढ़िया है, इसका एटीट्यूड भी राजा जैसा है। यानी वो उसके इसमें ही रहता है, उसको कुछ लेन देन नहीं किसी चीज से। काफी खूबसूरत डॉग है और मतलब उसके बाल भी है ना दोस्तों एकदम सिल्की सिल्क, मैं हाथ घुमा रहा हूँ ना मतलब जब ऐसे टेडी बियर को, स्मूथ है एकदम टेडी बियर जैसे। काफी वेल मेंटेन रखा है सर ने इसको। तो सर इसकी डाइट वगैरह क्या रहती है? के डाइट में अपन 3 अलग अलग आइटम देते हैं, फूड देते हैं, अंडे देते हैं अलग, हाँ चिकन राइस अलग देते हैं, जो उसको पसंद है वो उसने खाने का। ओके। बाकी उठा के रखते हैं। और सर अभी थंडर आने वाले शोज में परफॉर्म करेगा मतलब? अभी नहीं। अभी वो सबसे बड़ा जीता है तो वापिस खेल के क्या करेगा, उसके लिए अभी वो नहीं खेलेगा। ओके। इसके बच्चे अभी चैंपियन है। हाँ। इसके बच्चे खेलते हैं अभी। ओके। तो दोस्तों आने वाले शोज में थंडर के बच्चे आपको रिंग में जरूर दिखेंगे। तो सर आपने इसको थाईलैंड से मतलब इम्पोर्ट कब करवाया था? इसको 2 साल का था तब मैं इम्पोर्ट किया।
और मतलब आप स्पेशली वहाँ गए थे मतलब? नहीं, नहीं, हमारे एक दोस्त थे दिल्ली में। ओके। उन्होंने लाया था, उनसे हमने लिया। और सर इनके डाइट में मतलब क्या चेंजेस करते हो आप मतलब मौसम के हिसाब से? नहीं कुछ? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। 15-20 दिन के बाद आइसक्रीम खिलाने का हर एक को। ओके। कभी कभी दही डाल के दही चावल खिलाने का ऐसे करते हैं बीच बीच में, यानी ऐसे चेंज नहीं ज्यादा कुछ होता। ओके। ऐसे बीच बीच में करते। और सर एक हस्की डॉग कितने टाइम के बाद मैच्योर हो जाता है ब्रीडिंग के लिए? 18 महीने के बाद। 18 महीने के बाद? 18 महीने के बाद, 2 साल के बाद ही। और सर इनमें कितने सारे कलर्स आते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। इनमें मार्किंग आती 8 या 10 टाइप की। कलर भी बहुत है इनमें। ओके। आईज के भी रेड आईज रहता है, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ब्राउन आईज, ऑड आईज, स्प्लिट आईज। ओके। अलग अलग टाइप आता है उस हिसाब से मतलब उसके प्राइजेस में चेंजेस हो? नहीं, मैं प्राइस आंखों पे या कुछ नहीं, पपी वैसे हिसाब से क्वालिटी बनाने का। ओके। और फिर प्राइस करने का। पपी भी 2 महीने के बाद ही देता हूँ। सब उनका 2-3 वैक्सीनेशन होने के बाद पपी देते हैं। तो सर इन पॉपीज के बारे में बताएं ना, इनकी एज क्या है? अभी ये है 40 दिन के। ओके। और ये किसकी मतलब बेटी है, बेटी क्या है? अभी ये डोडो और थंडर की बेटी है ना, देसी उनके है। ये सभी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। और इसमें से आज एक मेल बुक हुआ है। ओके। पॉपी सेल करने से पहले मतलब क्या आप सामने वाले की प्रोफाइल वगैरह देखते हो? प्रोफाइल नहीं, लेकिन अच्छा घर ढूंढता हूँ। ऐसे नहीं पैसा मिला तो बेच दिया, ऐसा नहीं करता। अच्छी तरह से उसकी जिंदगी अच्छी से कटे, वही रीजन बस। और सर आप पपी को क्या डाइट वगैरह देते हो? पपी के लिए फूड रहता है, NND का एक ग्रोथ फूड है, वही फूड देते हैं। 20 दिन के बाद उनको फूड पे डालते हैं, फूड चालू करते हैं। माँ का दूध भी रहता है 1.25 महीना तक, बाद में ये। और सर ये KCI रजिस्टर्ड पपी? हर पपी KCI रजिस्टर्ड ही, विदाउट पेपर में पपी बेचता नहीं। तो सर पपी स्टेज में पपी को कितने वैक्सीन लगते हैं? मतलब पपी को 4 वैक्सीनेशन लगते हैं, लेकिन अपन हम लोग पपी देते देने से पहले उसके 2 वैक्सीनेशन हो गए होते हैं। ओके। एक पपी डीपी और एक 7-in-1, ये 2 वैक्सीनेशन करके ही मेरा पपी बाहर निकलता है। सर आप अपना एक बार नंबर शेयर करिए। 9922949499 और मेरा फेसबुक पेज है ग्रीनस्टोन कैनल। ये दोस्तों नंबर और फेसबुक पेज की लिंक आपको है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार चेक करो। तो सर ये पपी रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब कितने दिन में होता है, क्या होता है प्रोसेस? पपी रजिस्ट्रेशन आप 30 दिन के बाद हम लोग पेपर देते हैं बनाने के लिए, और 3 महीने के अंदर आना चाहिए। Okay. कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो रुकता है ना, तो 3 महीने KCI पेपर आते हैं, फिर कस्टमर को फोन करके उनके उनके पेपर दे देने के। ओके। उसके साथ ये KCI पेपर आता है। ओके। उसमें बर्थ डेट, ब्रीड यानी मेल या फीमेल रहता है, कलर रहता है, उसका माइक्रोचिप नंबर रहता है, KCI रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। ओके। और उसके साथ ये माइक्रोचिप मिलती है। ओके। ये आपको डॉक्टर के पास जाके उसमें डाल देनी है। और ये माइक्रोचिप के अंदर क्या होता है सर? माइक्रोचिप के अंदर चिप रहती है, वो स्कैनिंग होने के बाद उस पे वो नंबर आता है, जो आपके KCI पेपर का नंबर है वैसे वो डिटेक्ट होता है। सुना है कि आपका कैनल जो है रजिस्टर्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ये इधर नांदे ग्राम पंचायत की NOC है या रजिस्टर किया हुआ है। ओके। उसके बाद KCI का एक रजिस्ट्रेशन रहता है, उसका नाम KCI वाले अपने को देते हैं कैनल का, वो KCI रजिस्ट्रेशन है। ओके। और जो अभी पुणे में PMC का लाइसेंस आया है, वो भी लाइसेंस निकाला हुआ है, वो ही लाइसेंस। तो दोस्तों मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब इतना टाइम निकाल के उनका जो ब्यूटीफुल कैनल है वो हमको दिखाया। सर थैंक यू सो मच। मुझे भी थैंक यू कहना है कि एक पुणे का लड़का पूरे इंडिया को दिखा रहा है कि पुणे में भी अच्छी ब्रीडिंग होती है, अच्छे कैनल है,
उसका ये ट्राई कर रहा है कि सबको पता चले कि पूना में भी कुछ अच्छी चीजें है। करेक्ट करेक्ट, वो दिखाने की वो ट्राई कर रहा है, अपन उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।